हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम आपका ओल्ड टाइम स्टडी चैनल पर और इस वीडियो की डिटर प्लस भी जीएस सीरीज में। तो आपको पता है फ्रेंड, हम जो जीएस के क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए, डीएसएसबी के पेपर में आए हुए। चाहे आपका कौन सा भी एग्ज़ाम हो, फोर्थ ग्रेड का हो, सेकेंड ग्रेड का हो, या फिर आपका टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, या फिर सोशल वेलफेयर ऑफिसर का कोई भी एग्ज़ाम हो डिटर प्लस बी के अंतर्गत, उसी के जीएस के क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं। इन्हीं को जो वो डेट रखते हुए आपके क्वेश्चंस आगे पुटअप होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था आपकी कौन सी है? संघ लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इलेक्शन कमिश्नर और फाइनेंस कमीशन और संघ लोक सेवा के जो वो यहाँ पे चेयरमैन कौन है। और आपका राइट आंसर होगा कर्मचारी चयन आयोग विल बी योर राइट आंसर, जो कि ये आपकी संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक जो संगठन है इसके अंतर्गत ये जो ये काम करती है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि लोक सेवा आयोग का आर्टिकल किसके अंतर्गत है। तो ये है 315 से 323। और चुनाव आयोग की बात करें तो ये है आपका 324 में। और बात करें वित्त आयोग की तो ये आपका 280 में। तो आर्टिकल 280 ये भी आपको जो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ही बहुत आपका इजी क्वेश्चन है और ये आपका जो पॉलिटिक्स है, संविधान सॉरी राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका, जहाँ पे भी आपका कीवर्ड ये आ जाए ना निर्वाचित सदस्य, डेफिनेटली वहाँ पे आप टिक कर देना, राइट आंसर आपका वही होगा। आप ऑप्शन पढ़ते हैं कि संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभा और सभी निर्वाचित सदस्य, ये आ गया ना आपका। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो यही है, भारत के संसद के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और राज्यों की जो विधानसभा होती है आपकी वो होने चाहिए, और जो भी आपका दिल्ली और पुदुचेरी होता है उसके जो संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आपके होने चाहिए। और इनका कार्यकाल पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का तो 5 साल की अवधि के लिए जो ये चुने जाते हैं। तो राइट आंसर विल बी योर फर्स्ट। नेक्स्ट है, वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता को मापा जाता है। तो सांद्रता को किस में मापा जाता है फ्रेंड? तो ये मापा जाता है आपका पार्ट पर मिलियन में। तो पूछा जाए कि प्रदूषकों की, वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता को तो पार्ट पर मिलियन में मापा जाता है, या इसको हम बोलते हैं ppm। नेक्स्ट है, लाल रंग की रोशनी में हरे रंग के पत्ते वाले पौधे कैसे दिखाई देंगे। तो लाल रंग की रोशनी में हरे रंग के पत्ते वाले पौधे कैसे दिखाई देंगे, क्वेश्चन आपका ये है। तो ये है आपका कि जो वो अवशोषित हो जाता है लाल रंग के अंतर्गत, जो हरा रंग सहित सभी रंग जो है वो अवशोषित हो जाते हैं, इसलिए जो पत्ता है वो काला रंग का दिखाई देगा। तो सेकंड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार क्या है। लेटराइट, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो कौन सा आपका जो फ्रेंड राइट आंसर होगा? देखो मैं बता दूं आपका जो जलोढ़ मिट्टी है वो आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है, उत्तरी भारतीय मैदान में या फिर जो तटीय मैदान है आपका वहाँ पे मेनली। तो मैं बता दूं कि जो आपका ये वाला एरिया है पश्चिम वाला, यहाँ पे आपका सतलज मैदान है, यहाँ पे पाई जाती है। और मैं बता दूं जो भी आपके ये जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, जो इसके निकट जो भी आपके स्टेट है उनमें पाई जाती है। और आपका पूर्व में यहाँ पे जो आपका ये ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी है वहाँ पे मेनली जो वो पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारतीय मैदान इलाकों और तटीय मैदानों के लिए बहुत ही सर्वव्यापक मानी गई है या सर्वमान्य है, ये इसके मिट्टी के प्रकार है तटीय पर मैदान और उत्तर भारतीय मैदानों में मेनली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए निम्न में से किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने 12th क्लास में 11th 12th
आपने 11th 12th में पढ़ा होगा कि जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या फिर राष्ट्रीय आय वाला ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस आता ही होगा। तो इसमें बात करें विभिन्न उद्योगों की कुल आय और उद्योगों में कार्य करने वाले कामगारों की कुल संख्या, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है सरकार का कुल राजस्व और कुल जनसंख्या, ये भी गलत है। परिवार की कुल आय और परिवार के सदस्यों की कुल आय, ये भी गलत है। यहाँ पे राष्ट्रीय आय होगा आपका, और आपका मैं बता दूँ चैप्टर का नाम भी राष्ट्रीय आय है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चंस जो मिल जाएगा, राष्ट्रीय आय बटे टोटल जनसंख्या, तो 4th विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई। फ्रांसीसी चुनौती थी वो किस युद्ध के बाद जो समाप्त हो गई थी, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध या श्री रंगपत्तनम। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा कि 1760 में जो भारत के ब्रिटिश थे जो उनके लिए फ्रांस की चुनौती थी जो कि 1760 में वांडीवाश के युद्ध के बाद जो वो समाप्त हो गई थी। तो 3rd विल बी योर राइट आंसर। फिर आपका पीवीसी किसके बहुलीकरण के बाद गठित होता है, स्टाइरिन, एसिटिलीन, विनाइल क्लोराइड या प्रोपेन। तो जो विनाइल क्लोराइड है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है, इसके बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन हुआ है। तो ये तमिलनाडु जो वो आपका राइट आंसर है। भाषा आधार पर, देखो भाषा के आधार पर पूछा गया है तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है। 1953 की बात थी फ्रेंड, जब कि आपका जो तेलुगु भाषा है उसके लिए एक लंबा आंदोलन चल रहा था, और यह आंदोलन जो है 56 दिन तक चला था, जिसमें आपका एक श्री रामुलु थी, उनकी जो है वो मौत हो गई थी। उन्होंने मीन्स एक तरह से आंदोलन या अनशन पर बैठे थे, भूख प्यास के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, और तब जाके जो है वो आंध्र प्रदेश आपका अलग राज्य बनने के लिए यहाँ पे उसको मजबूर होना पड़ा था। तो भाषा या आधार पर कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो ये हुआ था आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपचयन के दौरान जो है वो आपकी हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो 3rd विल बी राइट आंसर। फिर आपका सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसकी पूजा स्थल है, किसका पूजा स्थल है, पारसी धर्मवलंबियों का या ताहो का या अहियुदी या फिर शिंतो का। तो इसमें मैं बता दूं आपका जो अहियुदी आपका धर्मवलंबी है वो सिनेयोग में से जो वो ये होते हैं वो इनकी जो वो पूजा करते हैं, इनकी थोड़ी लैंग्वेज वगैरह या फिर आपका पूजा जो स्थल होता है वो थोड़ा टिपिकल सा होता है, तो ये एक सामुदायिक घर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन के रक्त स्राव, विटामिन ए रतौंधी या विटामिन ई। देखो विटामिन ई आपका जो है वो रिकेट्स नहीं होता, विटामिन जो है वो डी होता है, तो गलत सुमेलित आपका कौन सा हुआ, 4th। विटामिन डी में आपका क्या होता है कि ये जो है वो कैल्शियम से जो रिलेटेड है, इसमें जो है वो हड्डियाँ हड्डियों की मजबूती के कारण होता है, और इसमें इसके अभाव के कारण जो वो आपकी हड्डियाँ जो वो डगमगी सी हो जाती है, यानी कि कमजोर हो जाती है, टूट भी सकती है। छोटे बच्चों में तो जो रिकेट्स की जो वो मेनली जो प्रॉब्लम होती है, और जो आपका मैं बता दूं कि जो वयस्क होते हैं, वयस्क उनमें जो हड्डी के मुलायम होने की जो बात है वो ऑस्टियोलेशिया बोला जाता है, कि जो ऑस्टियोमेलेशिया। आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी के अंतर्गत जो वयस्कों में हड्डियों का जो रूप है वो किस प्रकार होता है, तो वो ऑस्टियोमेलेशिया के कारण होता है, तो 4th विल बी राइट आंसर। फिर बात की गई है कि छत्तीसगढ़ में जो लोह और इस्पात का कारखाना वो कहाँ पे स्थित है, बुरनपुर, सलेम, बोकारो या भिलाई। तो भिलाई आपका जो राइट आंसर है, भिलाई में आपका जो इस्पात संयंत्र है।
भारत, ओ ये कहाँ पे है भिलाई आपका, तो ये आपका छत्तीसगढ़। कमेंट बॉक्स पे मेरे को फ्रेंड आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो क्या है, बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे। नेक्स्ट है, BSE सेंसेक्स किसके स्टॉक पर आधारित है, तो BSE सेंसेक्स या मुंबई शेयर बाजार कह लीजिए, यह भारत का एक मूल्य है भारित सूचकांक है। इसमें जो सेंसेक्स है उसमें 30 कंपनियों को जो है वो शामिल किया गया है, तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। वित्तीय से आपका ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है और मैंने कमेंट बॉक्स में आपको बोला है कि जो आपके वित्तीय आयोग है करंट में उसके जो चेयरमैन है वो कौन है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज उसको लाइक करिएगा। तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकालीन घोषित करने की जो वो शक्ति देता है, यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रिप्ट घाटी है वो भारत की कौन सी नदी बहती है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि रिप्ट घाटी भारत की कौन सी बहती है, तो ये आपका होगा तापी या ताप्ती भी बोल देते हैं। ये सिर्फ जो वो एक ही नदी से जो वो बहती है। टीकाकरण क्या है, सरल निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा या कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित उपार्जित या या प्राकृतिक उपार्जित प्रतिरक्षा। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। साइंस के भी आपके काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगेन फिर से आपका जो वो डांस रिलेटेड है कि आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तमिलनाडु में कथकली, मणिपुर में कथक या केरल में भरतनाट्यम, तो इनमें से कौन सा ठीक है। काफी स्टूडेंट्स इसमें जो है वो कंफ्यूज होंगे। देखिए आंध्र प्रदेश में होता आपका कुचिपुड़ी डांस, ये आपका बिल्कुल ठीक है। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध जो नृत्य शैली है वो कुचिपुड़ी है, और तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम होता है कथकली नहीं होता, कथक आपका गलत है। ये यहाँ पे केरल का भरतनाट्यम नहीं होता, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है। तो फ्रेंड मैं बता दूं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें 5 तो आपके जो है वो स्थायी सदस्य होते हैं, और जो 10 होते हैं आपके वो होते हैं आपके गैर स्थायी सदस्य जो कि निर्वाचित तो होते हैं, और जो प्रत्येक वर्ष में आम सभा 2 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है, और 10 जो है वो अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। और ये आर्टिकल किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 23 से संबंधित है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो आपके स्थायी और अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, और आर्टिकल 23 के अंतर्गत। तो आपका यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस जो वो कवर हो गए कि निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, स्थायी सदस्य 5 होते हैं, और आर्टिकल 23 के अंतर्गत। तो ऐसे आप कंटेंट तैयार कर लोगे तो आप क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली टैकल कर पाओगे, और नेगलेट ऑप्शन जो आपके नेगेटिव ऑप्शन है उसको आप नेगलेट करके राइट आंसर तक पहुंच पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे। जो खिलजी वंश से पहले थे फ्रेंड्स, इनका जो है वो आपका जो है वो कि कौन सा जो वंश है वो पहले आया था, उसके बाद कौन सा वंश आया था, और जो आपका टाइम पीरियड भी आपको जो वो याद रखना है। तो फ्रेंड मैं बता दूं कि गुलाम वंश और तुगलक वंश जो थे वो खिलजी वंश से पहले थे। इनका जो कार्यकाल है वो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, अगर आपको नहीं तो फिर मैं उसका जो वो जवाब दूंगी। फिर है नेक्स्ट, कि संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो फ्रेंड किसे यहाँ पे लघु संविधान कहा जाता है, तो ये कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। थर्ड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? अगेन फिर से आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से, तात्या तोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहेब। तो टीपू सुल्तान जो थे वो कौन थे, ये आपके जो वो मैसूर साम्राज्य का जो है वो शासक था, जिसने कि 1782 से लेके 1799 तक जो वो शासन किया था। अगेन फिर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य का शासक था, उनका जो शासन था वो कितने जो टाइम तक रहा। तो ये 1782 से लेके 1799 तक रहा था। उस दौरान जो है वो 1799 में जो है ये पराजित हुआ था। तो पराजित पूछ लिया जाता है तो ये किस वर्ष हुआ था, तो 1799 में, जो कि चौथे एंग्लो मशहूर युद्ध के दौरान पराजित हुआ था। तो सेकंड विल बी योर राइट आंसर। अब मैं आपसे एक बात बता दूं कि जो 1799 में जब ये पराजित हुआ था, और बात यहाँ पे की गई आपकी 1857 की क्रांति की, तो ऑब्वियसली बात है आपको ये नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका टीपू सुल्तान। फिर है रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करती हैं, रेडियो तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, अल्ट्रावायलेट या अल्फा बीटा और वाई किरणें। तो क्या आपका इसका जो राइट, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा किरणें। तो फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? ये जो है वो संतूर बजाने के जो है वो फेमस है। ये एक जो है वो लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनने का श्रेय इसको दिया गया है। और पूछ लिया जाए कि ये कहाँ के थे, तो ये थे आपके जम्मू एंड कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना जो है वो लागू की गई है? थर्ड विल बी योर राइट आंसर। ग्रामीण गरीबों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनको जो ध्यान में रखने के लिए जो वो इंदिरा आवास योजना जो है वो यहाँ पे लागू की गई है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है? अगेन फिर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। नेक्स्ट वीडियो में भी हमने जो पीआरटी का नेक्स्ट से भी नेक्स्ट नो सॉरी लास्ट से भी लास्ट वीडियो में हमने पीआरटी की बात की थी, उसमें आया हुआ ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे जो है वो लंबी सीमा जो आपकी गुजरात की है ये कितनी है। ये जो है वो 1900 किलोमीटर से जो है वो कहीं ना कहीं अधिक है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाए तो 1915.29, और दूसरे नंबर पे था आपका आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे था आपका तमिलनाडु। तो फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कई बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। फिर आपका कि कौन प्रत्यक्ष कर है, मनोरंजन कर, उत्पाद कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, कौन सा जो है वो आपका प्रत्यक्ष कर है? तो संपत्ति कर, जिसको कि धन कर भी कह सकते हैं। तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, हवा के इकाई आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उसको निरपेक्ष आर्द्रता। थर्ड विल बी योर राइट आंसर। फिर है जो पूंजी बाजार है, विनियामक होता है NSE, SEBI, RBI या IRDA। तो पूंजी बाजार भी नियामक जो है वो सेबी के, और वर्तमान में आपके सेबी के जो चेयरमैन पूछ ली जाए तो कौन है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते तापमान के साथ रक्त जो घट जाता है? तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका शुद्ध सिलिकॉन।
द्वारा। कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है? आप मेरे को ये बताइए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपका किसी भी एग्जाम में आ सकता है। और अभी जो 17 फरवरी को आपका आईबी का एग्जाम है, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड। फिर है कर्नाटक, है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, या कर्नाटक और महाराष्ट्र। कावेरी नदी में जो वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो ये जल को लेके जो विवाद है, और गंभीर जो विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग में से कौन से एक दूसरे के समानार्थी हैं? गोल्फ, पोलो, फुटबॉल, सॉकर, वॉलीबॉल, स्क्वैश, बिल्डर्स, कैरम। तो मैं फ्रेंड बता दूं कि फुटबॉल ऐसा गेम है जिसमें इसको फुटबॉल ना कहकर जो हो कुछ देशों में सॉकर भी कहा जाता है। तो समानार्थी शब्द जो वो यानी कि मिलते जुलते। वॉलीबॉल एक आपका अलग गेम है, और स्क्वैश आपका अलग गेम है, गोल्फ आपका अलग है, पोलो आपका अलग है, बिल्डर्स आपका अलग है, कैरम आपका जो वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने निवेशकों को 17,400 करोड़ की राशि वापस करे? तो ऐसा किसके अंतर्गत हुआ है? तो ये हुआ आपका सहारा के अंतर्गत। इसमें ऐसा आदेश दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो 2012 में सहारा समूह के रियल एस्टेट शाखा को 15%, कितना परसेंट, 15% ब्याज के साथ निवेशकों से 17,400 करोड़ की जो राशि है वो वापस लेने का आदेश करें। हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं? नदी डेल्टा, सूखा क्षेत्र में, ग्लेशियर क्षेत्र में, या मानसून क्षेत्र में? तो जो आपके हिमोड है फ्रेंड, हिमनद, नदी डेल्टा, सूखा क्षेत्र, ग्लेशियर, इसमें एक कंफ्यूजन सा है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो ग्लेशियर होगा आई थिंक से, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपको कंफर्म करके बता दूंगी, आई थिंक तो ग्लेशियर होगा। कि मोड में जो भी जितने भी शैल होते हैं, रेत वगैरह जो है वो सभी को जो वो बहाकर लेके जाता है, आई थिंक ये वही है, ग्लेशियर होगा इसका राइट आंसर। फिर आपका न्यूरॉन क्या है? ऊर्जा की मौलिक इकाई, रेडियो धर्मी पदार्थों से निकलने वाले पदार्थ, न्यूट्रॉन के प्रतिद्रव्य, या तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई? तो ये है तंत्रिका तंत्र की जो वो मौलिक इकाई, ये आपका न्यूरॉन। अगेन फिर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका गेम से, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक जो है वो ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो पूर्व ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी है मार्गेट कोर्ट ने, उन्होंने जो कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और उनके बाद जो है आपकी सरेना विलियम, उन्होंने कितने जीते हैं? उन्होंने 23 जीते हैं। तो सबसे अधिक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा मार्गरेट मार्गरेट कोर्ट। एंजाइम क्या है? सैटर्ड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या लिप्ट्स? तो ये एक तरह से जो आपका एंजाइम वो है आपका प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीवी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद, या जौनपुर? फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद, या जौनपुर? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो वो स्थित है। 39 क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में सॉरी, तो ये पांच पांच खिलाड़ी होते हैं आपके। डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया? ग्रीक, अंग्रेजी, या फिर आपका हिब्रू, या लैटिन? तो डेमोक्रेसी शब्द को जो है वो आपका ग्रीक भाषा से जो वो लिया गया फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस, सॉरी 40 क्वेश्चंस, जो कि 22/6/2014 के एग्ज़ाम में किसमें वेलफेयर
वेलफेयर ऑफिसर के एग्जाम में आए हुए थे। देखो हमने इनसे 40 क्वेश्चन से कितना सारा कंटेंट है जो वो पता कर लिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके DSSB एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।